शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर जोन अभी भी रेड जोन में है क्योंकि नागपुर में और 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे अब नागपुर में ये खबर लिखे जाने तक का आंकड़ा कुल मिलाकर 423 पॉजिटिव हो गए हैं। मनीष नगर निवासी मनपा की एक डॉक्टर और मोमिनपुरा की एक महिला और एक पुरुष का इसमें समावेश है। 2 मेयो अस्पताल से और 1 एम्स अस्पताल की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन जब से नागपुर में कोरोना महामारी से लॉकडाउन हुआ है, तब से लेकर अब तक नागपुर के अंतर्गत आने वाले कई परिसर के नागरिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और भी मिल रहे हैं। नागपुर को रेड जोन घोषित किया गया है। नागपुर में और 3 कोरोना के मरीज पॉजिटिव आने से अब नागपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 423 हुई है, जिसमें 7 लोगों की कोरोना से मृत्यु भी हुई है। शहर में 3 पॉजिटिव पेशेंट में एक मनीष नगर निवासी मनपा की डॉक्टर है, तो वहीं मोमिनपुरा से 1 पुरुष और 1 महिला भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिससे एक बार मोमिनपुरा क्षेत्र में खलबली मची है। मनपा प्रशासन अच्छा कामकाज करते हुए कोरोना संदिग्धों की समय समय पर जांच कर रही है और ऐसे पेशेंट को क्वारंटाइन भी कर रही है। कोरोना वायरस से यदि शहरवासियों को लड़ना है तो मास्क पहनिए, फिजिकल अंतर रखें, सैनिटाइज करें आदि बातों का पालन करने से भी काफी हद तक कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। नागपुर के संतरा नगरी से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।